फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वीडियो पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन लोगों ने अभी अभी बिल्कुल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया या फिर जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उसके बेसिक्स से थोड़ी बहुत बातें उनको नहीं मालूम। तो आपके लिए मैं अपने चैनल पर बेसिक्स की वीडियो पहले शुरुआत में बनाऊंगा और उसके बाद धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हर चैप्टर की वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, हम यहां पर तीन वर्ड्स के बारे में सबसे पहले समझेंगे, अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये तीनों वर्ड क्या हैं और स्पेसिफिकली हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, हम अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं या हम अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं? तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि अकाउंट्स क्या चीज होती है, अकाउंटिंग क्या चीज होती है और अकाउंटेंसी क्या चीज होती है। हम लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है। तो यही सबसे पहले, ये सबसे बेसिक चीज है जो हमको अपने माइंड में क्लियर करनी है कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है। और इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको ये वीडियो ढंग से देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अकाउंट्स जो है वो एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट, अकाउंट्स इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की दो साइड्स होती हैं। एक साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और दूसरी साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट साइड अकाउंट्स के लेफ्ट साइड पर होती है और क्रेडिट साइड अकाउंट के राइट साइड पर होती है। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने एक अकाउंट बना देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये कैश अकाउंट है। हम बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट बनाएंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि कोई भी अकाउंट एक स्टेटमेंट होता कैसे। मैंने जैसे लेट सपोज एक अकाउंट बनाया कैश अकाउंट, अब इसको मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया, इस अकाउंट के मैंने दो पार्ट कर दिए। अब एक ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इसे मैं कहता हूँ डेबिट साइड और ये जो राइट हैंड साइड पर है इसे मैं कहता हूँ क्रेडिट साइड। अब आप कहेंगे सर ये DR क्या है, ये CR क्या है? बेटा, डेबिट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम CR लिखते हैं। आप कहोगे सर डेबिट को DR क्यों लिखा जा रहा है, R वर्ड तो डेबिट के अंदर है ही नहीं। तो बेटा, जब मैं आपको शुरुआत कराऊंगा, एक अलग से वीडियो में उसके लिए बनाऊंगा, वहां पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैं आपको समझाऊंगा, तो वहां पर आपको मैं बताऊंगा जरूर कि डेबिट को मैं DR से डिनोट क्यों कर रहा हूं। फिलहाल आप वक्ती तौर के लिए समझ लीजिए कि डेबिट को हम DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हम CR से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? तो ये जो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी, ये देखो ना लेफ्ट हैंड है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये डेबिट साइड है, ये राइट हैंड साइड है तो ये क्रेडिट साइड है। तो अब यहां पर कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे ये मैं एक रफ अकाउंट आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, ये मेन बीच की साइड लाइन थी, यहाँ पर ये डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, ये अमाउंट का कॉलम होता है। सेम, ये डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है और ये अमाउंट का कॉलम होता है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रफ सी स्टेटमेंट आपको बनाकर दिखाई है कि अकाउंट कुछ नहीं, अकाउंट सिर्फ एक स्टेटमेंट को कहा जाता है। ये प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, हम लेजर अकाउंट्स के अंदर देखेंगे।
तो अकाउंट इज नथिंग बट अ स्टेटमेंट जो एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। जैसे लेट सपोज कैश को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं डेबिट साइड पर एंट्री डालता हूं, और अगर मुझे कैश को डिक्रीज करना है तो मैं क्रेडिट साइड पर एंट्री डालता हूं। ये सब कैसे होता है हमें सब पता लग जाएगा, बस मैं आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहा हूं बेसिक्स कि अकाउंट एक स्टेटमेंट है जहां पर एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। अब इस स्टेटमेंट के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। आप लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। अकाउंटिंग बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस के अंदर हम इन अकाउंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये अकाउंट्स प्रिपरेशन और अकाउंट्स फॉर्मेशन के प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है, यानी अकाउंट बनाने के प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है। तो सर हम अकाउंट्स एक स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है अकाउंट को फॉर्म करने का, प्रिपेयर करने का। तो अकाउंटेंसी क्या है? बेटा अकाउंटेंसी एक तरीके का सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको कई तरीके के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, कई तरीके के कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि मुझे अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। आप लोगों को मेरी बात क्लियर? अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत बताए गए हैं, कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जो आपकी मदद करते हैं कि आपको ये अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। तो अब आप लोगों को एक बात क्लियर हो गई होगी कि अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है जिसकी मदद से आप ये अकाउंटिंग करना सीखते हो, और अकाउंटिंग करते करते आप इन अकाउंट्स की फॉर्मेशन करते हो। तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे इस वीडियो के जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों के नोट्स चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको और बेसिक्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।